हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण दास जी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और ये आप मैं कल है उत्पन्ना एकादशी और आज ही वीडियो बना रही हूँ, आज अपलोड करूँगी। तो उसके लिए मैं बिहारी जी को राधा रानी को सर्दियों की ड्रेस बनाने वाली हूँ। और ये ड्रेस मैंने पिछले साल ही तैयार करवा ली थी जब मेरी गोपी बहुनी थी, खाली लाडली और लड्डू गोपू ही थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी ड्रेस है, क्योंकि अभी तक तो कोई ड्रेस रेडी ही नहीं हुई, क्योंकि जो आंटी बनाते हैं वो बिजी हैं या फिर मतलब काम होते हैं और बुजुर्ग हैं, तो इसलिए मैं उनको कह भी नहीं रही, अच्छा नहीं लगता। तो देखते हैं, अभी तो ये ड्रेस है मैं पहनाती हूँ। तो ये देखो कितनी सुंदर बनवाई थी पिछले साल राधा रानी ने अपनी ड्रेस। वाओ, ये देखो कितना अच्छा सा लहंगा बनाया उन्होंने। तो ये इस तरह से आ जाएगा ऐसे पहनाने पर, ऐसे देखिए डार्क पिंक और ये मल्टी कलर है कुछ, तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। तो ये वो वाला लहंगा है जब चरण कमल नहीं थे पिछले साल, तब ये लहंगा बनाया था, तो इसलिए ये पूरा पूरा उतना ही है जितना पैर तक आएगा। तो चरण कमल इसमें नहीं ढकेंगे लग रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी बनाऊंगी, उनको पैरों तक आना चाहिए मेन तो, ठीक है। और ये इतनी सुंदर सी इनकी ऊपर की टॉप है, चोली जो देखो कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया गया, देखो फ्रिल वाला बहुत सुंदर सा बढ़िया सा। तो ये देखिए, तो ये बस बनाने वाली हूँ उनको मैं ड्रेस। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो ये राधा रानी की होगी, और राधा रानी के पहले मैं दिखा देती हूँ आपको कंप्लीट, और शॉल, और ये है राधा रानी की ब्यूटीफुल सी शॉल देखिए, तो कितना सुंदर बनाया था उन्होंने। दो तीन मैंने ड्रेस बनवाई थी पिछली बार, जो बनाई थी उन्होंने बहुत ही चिंग वगैरह नाप इतना सब बहुत ही परफेक्ट बनाया था। अब की बार थोड़ी सी मुझे ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, तो ये भी रानी कलर है। तो ये मैंने आपको राधा रानी का कंप्लीट पूरा दिखा दिया है, और एक टोपी भी बनाई थी अलग से। अब चाहे वो राधा रानी को बनाऊँगी या फिर अब तो गोपी भी आ गई है, तो देखो कैसे करती हूँ, क्योंकि एक ड्रेस कम पड़ रही है तो मैं मिक्स मैच करके बनाऊँगी। तो ये बड़ी सी टोपी है बहुत सुंदर सी, तो ये राधा रानी का कंप्लीट। अब मैं आपको कन्हैया का दिखा देती हूँ, यानी हमारे प्यारे से बिहारी जी का बहुत सुंदर सा, ये देखिए बिहारी जी, ये देखो वाओ वाओ बनाती थी आंटी तो जब मेरे तो ये देखिए कितनी सुंदर पजामा है, और ये बटन लगा रखे हैं जैसे हम ऐसे करके बंद कर देंगे, ये देखिए ये यस, तो ऐसे करके बंद हो जाएगा, ऐसे इधर है ऐसे उधर है। तो ये बिहारी जी का सुंदर सा पजामा है पूरा ऐसे है, और यहाँ से डोरी बांध देंगे जब हम उन्हें ओपन पहनाएंगे ऐसे करके। बस फटाफट आपको ये वीडियो दिखा के उसके बाद मैं श्रृंगार करूँगी। तो ये देखिए कितना सुंदर बिहारी जी का पजामा है, और सेम टॉप बिहारी जी की भी है, ये देखिए ऐसी फ्रिल वाली बहुत सुंदर सी, ये देखिए तो ये टॉप है बिहारी जी की, ये देखो ऐसे पूरा रख के मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। और फिर बिहारी जी की इतनी सुंदर थी, फर्स्ट टाइम मेरे को बिहारी जी की ऐसी किसी ने पगड़ी बना के दी है, ये देखिए वाओ पगड़ी है ना देखो, तो ये कितना सुंदर सा डिज़ाइन है। और हमेशा आंटी थोड़ा सा ना लूज बनाती है ताकि भाई पहनने में दिक्कत ना हो, देखिए ये है बहुत सुंदर सी पगड़ी बिहारी जी की। तो मैं आपको पूरा दिखा दूँगी, यहाँ पे आ जाएगा बिहारी जी पगड़ी, और ये बिहारी जी का पटका लंबा चौड़ा बढ़िया सा, देखिए खूब दिल खोल के आंटी बढ़िया सा बनाती थी। तो ये देखिए, तो ये पूरा लुक है बिहारी जी की ड्रेस का इस तरह से। तो ये हमारे बिहारी जी का है, और अब मैं दिखा देती हूँ ये हमारी लाडली का है, ये देखिए लाडली, ये लड्डू, तो लाडली का है तो लेडीज़ के भी तो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग बनाती है। और ये लड्डू बाबू का है, इसमें ऊपर दे दिया है काले और नीचे ये कलर कर दिया है। और ये देखो ये है लाडली का, तो लाडली गोपी और लड्डू का लगा लो, तीन है, चौथी मैं मिक्स मैच करके कोई भी ड्रेस बनाऊंगी,
क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई सर्दियों की, मैंने बार बार मुझे कमेंट आ रहा था कि आप कलेक्शन दिखाइए, तो ऑलरेडी आपको मैंने ये जो मैंने ड्रेसें पहना रखी हैं सबकी मैंने वीडियो आपको दे रखी हैं, तो बार बार वही ड्रेस मैं क्या आपको दिखाऊँ। हाँ, ये पिछले साल की रखी थी तो मैंने सोचा ये आपको दिखाऊँ। एक आध और रखी है, लेकिन उसमें भी उसमें लड्डू और गोपू की है, इधर लाडली नहीं आई थी तो वो भी सेट एक तरह से अधूरे हैं, बट पहनाने पड़ेंगे, मिक्स मैच करके पहनाऊँगी। ड्रेसें तो अभी काद रखी है छोटी बड़ी, तो ये देखिए ये भी सुंदर थी, उन्होंने छोटी सी एक ऐसी बना दी थी पगड़ी, देखो कितनी सुंदर है डायमंड से लगा के। तो आंटी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कुछ ना कुछ बढ़िया सा कर देती है कोई भी ड्रेस को, तो ये देखो। बट अब तो मुझे कहाँ, अब या तो फिर मैं कपड़ा लेके बनवाऊँगी, अगर उनकी नहीं बनेगी तो क्या कर सकते हैं। ये देखिए ये कितनी सुंदर सी, कितनी लूज़ लूज़ टोपी हैं, इतना मतलब बढ़िया सी आराम से पहनाई जाएगी, बालों के ऊपर भी अच्छे से आएगी, बालों के बिना तो फिर भी थोड़ी ढीली आएगी, लेकिन बाल पहना दो तो बहुत अच्छी आएगी। तो ये सब हैं ड्रेस, तो ये है हमारे बिहार जी परिवार की ड्रेस जो कल उत्पन्ना एकादशी में पहनने वाले हैं। तो सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो, और आपको ये प्यारी सी बिहार जी परिवार की ड्रेस कैसी लगी जरूर से बताना। पसंद आ जाए तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद आ जाए तो कमेंट करना, बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो शेयर करना। जय श्री राधे।